आपने अच्छा किया जो सारी बातें खोल के बता दी। अपने मिशन को पूरा करने में सिर्फ यही एक गुनाह हुआ मुझसे। यह गुनाह मेरी आत्मा पर इस कदर बोझ बन जाएगा ये मैंने क्यों नहीं सोचा। एक दीमक की तरह मेरा पास मुझे खोखला बनाता जा रहा है। मैं समझता हूं, मुझे आपसे हमदर्दी है। एक बात की मुझे खुशी भी है कि आपका जमीर अब भी जिंदा है। मेरा एक सुझाव है मिस्टर प्रधान, उस औरत के परिवार वालों से आप क्यों नहीं मिलकर प्रायश्चित कर लेते, शायद आपके मन को शांति मिलेगी। मैं नहीं जानता उसके घर के लोग कहां हैं। अभी अभी तो आपने मुझसे कहा कि उसका पति जेल में है, अब उससे क्यों नहीं मिल लेते? डरता हूं ऐसा किया तो मैं बर्बाद भी हो सकता हूं। मैं अपनी समस्या का समाधान चाहता हूं, अपनी बर्बादी नहीं। समाज में जो मेरा स्टेटस है उसे मैं नहीं खोना चाहता। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉफी बनाता हूं। कोई फायदा नहीं होगा प्रधान, मैं तुम्हारे मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम अपने गुनाहों से कितना भी भागो, तुम्हें मुक्ति नहीं। एड़िया रगड़ रगड़ कर मरोगे तुम और सारी दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। तुम मेरे शाप से कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। छोड़ो मेरा पिता, छोड़ो।